मुंबई में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट होने के बावजूद नवी मुंबई में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है, और अगर ये बनाया जा रहा है तो इसके ऊपर कुछ लोग जो है ना निगेटिव बातें या फिर निगेटिव कमेंट्स या फिर मेम्स क्यों बनाते हैं, और नवी मुंबई एयरपोर्ट डेवलप होने के बाद मुंबई या फिर नवी मुंबई पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इन सारी बातों को जो है ना आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, प्रॉपर्टी कवरेज पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, नवी मुंबई में एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है और उसकी वजह से क्या फायदा होने वाला है, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मुंबई के ज्योग्राफिकल कंडीशन को। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम मुंबई को ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक हमें नवी मुंबई की वैल्यूज और नवी मुंबई में डेवलप होने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वैल्यू जो है ना समझ में नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है ना मुंबई के बारे में आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों, हम सभी को पता है मुंबई एक ऐसा लोकेशन है ना जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और यही ज्योग्राफिकल कंडीशन ना इसे अलग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से ही ना इंटरनेशनल सी यानी इंटरनेशनल वाटर को जो है ना एक्सेस करना आसान होता है, और पहले भी होता था, क्योंकि मुंबई से ही इंटरनेशनल गुड्स पानी के जरिए अदर कंट्रीज़ में भेजे जाते थे और अदर कंट्रीज से जो है ना भारत में या फिर इंडिया में मंगवाए जाते थे, और यहाँ से फिर अलग अलग सिटीज़ में, शहरों में या फिर राज्यों में या फिर स्टेट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे। ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें तो ब्रिटिशर्स को ये वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुकी थी, और उसके वजह से ही ना ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना मुंबई को दिया, क्योंकि उनको यहाँ से पैसेंजर्स को भेजना, पैसेंजर को बाहर से लेके आना या फिर गुड्स को भी एक्सचेंज करना वो आसान हो चुका था, और इसी वजह से मुंबई की इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वैल्यू भी अप्रिशिएट होती गई। अब इंडस्ट्रियल कमर्शियल वैल्यू क्यों अप्रिशिएट होती गई, तो उसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है। अगर मुंबई में ही कुछ इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग बनेंगे और यहाँ से ही फिर वो इंटरनेशनल वाटर के जरिए अलग देशों में भेजे जाएंगे, तो डेफिनेटली एक्सपेंस कम होने वाला है। इसी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर इंडस्ट्रियल हब हो या फिर कमर्शियल हब हो, मुंबई में ही डेवलप होना शुरू हो गया। अब जब इंडस्ट्रियल हब बन रहा था, कमर्शियल हब बन रहा था, तो उसी के साथ रेसिडेंशियल की प्राइजेस भी अप्रिशिएट होने लग गई। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुंबई में ना रेसिडेंस के लिए आने लग गए, बिकॉज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो सारी मुंबई में आसानी से अवेलेबल होती थी, और इसी रीज़न से ना मुंबई धीरे धीरे ओवर क्राउडेड होने लग गया। रियल इस्टेट के प्राइजिंग ना ज़्यादा ओवर अप्रिशिएट होने लग गई, जिस वजह से गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें ज़रूरत है एक और नवी मुंबई की, और इसी सोच में से नवी मुंबई यहाँ पे बनाने का प्लान किया। जिस तरीके से मुंबई ओवर क्राउडेड हो रही थी, और ये सोचा गया कि नवी मुंबई करके एक नया शहर बसाया जाएगा जो टोटली प्लान होगा, जिसमें रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया ठीक तरीके से प्लान किया जाएगा, वैसे ही सोचा गया कि मुंबई के साथ मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी ओवर क्राउडेड होता जा रहा था, बिकॉज जितनी फ्लाइट उसको डे में अटेंड करनी पड़ रही थी उससे ज़्यादा फ्लाइट वो जो है ना अटेंड कर रहा था, और जिस तरीके से क्राउड बढ़ रहा था मुंबई में, तो ये डेफिनेटली था कि आगे जाके इस क्राउड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला था, फ्लाइट को अटेंड करना डिफिकल्ट होने वाला था। इसीलिए 1997 में ये डिसाइड किया गया कि नवी मुंबई जैसे डेवलप होगी, उसी के साथ साथ नवी मुंबई में ही जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जो कि ना कि सिर्फ पैसेंजर्स के लिए होगा, साथ ही साथ वो गुड्स के लिए होगा। गुड्स यानी कार्गो एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट पैसेंजर के साथ कार्गो एयरपोर्ट भी होने वाला है, बिकॉज नवी मुंबई के अंडर में उरन के पास में JNPT आता है, जहाँ से इंटरनेशनल गुड्स आते हैं या फिर अलग सिटीज़ में से, अलग स्टेट्स में से यहाँ पे गुड्स आते थे, और यहाँ से अगर अलग अलग लोकेशंस पे गुड्स भेजना है बाई एयर तो वो भी आसान हो सके। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि नवी मुंबई में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप होगा वो पैसेंजर के साथ कार्गो का भी होगा, और ये बातें चली 1997 में। लेकिन क्या ये लैंड अवेलेबल हो पाना उतना आसान था नवी मुंबई में? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए जितनी बड़ी लैंड रिक्वायर्ड होती है ना, उतनी बड़ी लैंड, प्लेन लैंड, टेबल लैंड जिसे हम कहते हैं, वो मिल पाना या अवेलेबल हो पाना उतना आसान नहीं था। कई सारे चैलेंजेस ना गवर्नमेंट को फेस करने पड़े, मेजरली सिडको को। सिडको गवर्नमेंट की वो संस्था है जिसको नवी मुंबई डेवलप करने का जो जिम्मेदारी होती या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दी गई। सिडको का फुल फॉर्म है सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और जिस तरीके से सिडको ने नवी मुंबई में परफॉर्म किया उस तरीके से नवी मुंबई जो है ना काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई। लेकिन सिडको ने नवी मुंबई को जितने क्विकली या फास्ट तरीके से डेवलप करना शुरू कर दिया, उतने फास्ट तरीके से ना नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो लैंड रिक्वायर्ड थी वो अवेलेबल सिडको करवा नहीं पाई, और इसी वजह से कुछ लोग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर निगेटिव कमेंट्स करने लगे, निगेटिव बातें करने लगे, और कुछ लोग मेम्स बनाने लगे। लेकिन इतनी बड़ी लैंड ना अवेलेबल करवाना क्या उतना आसान था? नहीं। तो कितनी लैंड रिक्वायर्ड होने वाली थी?
तो अप्रोक्स 10 किलोमीटर यानी कि 9.5 किलोमीटर का एरिया लैंड के लिए रिक्वायर्ड था। अगर एक्टर में आपको मैं बताऊं तो 2,860 एकड़ जगह ना इसमें रिक्वायर्ड थी। लेकिन चैलेंजेस क्या थे इस जगह में, तो चैलेंजेस मेजरली तीन थे। जो लोकेशन चूज़ किया गया जहाँ पे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला था, वहाँ पर तीन बड़े चैलेंजेस थे। एक, उस लोकेशन पे बड़े पहाड़ थे जिसको कट करके एक टेबल लैंड बनाने की ज़रूरत थी। दूसरा, उसी प्लॉट के ऊपर से, उसी लैंड के ऊपर से बिल्कुल बीचों बीच से एक रिवर जाती थी, उसका नाम था उल्वे रिवर। तो उस रिवर को ना उस लैंड में से बाहर की तरफ डाइवर्ट करना था। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था, वो था लोकल विलेजर्स को शिफ्ट करना। जो एरिया सिलेक्ट किया गया उसके अंदर ना लगभग 10 लोकल गांव आते थे, 10 विलेजर्स आते थे जिनको कहीं और शिफ्ट करना था। उनको उसके अगेंस्ट कुछ पैसे भी पे करने थे और अलग जगह पे लैंड भी देनी थी। लेकिन ऐसा होता है, जब जब ऐसे प्रोजेक्ट्स में ज़मीन जाती है तो उसके अगेंस्ट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाती है लैंड की, और उस चक्कर फैमिलीज़ में जो है ना कुछ चीज़ें बाहर आती जिसके वजह से ना वो लैंड एक्वायर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर फिर भी सिडको को ये चीज़ें तो करनी थी, तो सिडको ने धीरे 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 जो लोकल विलेजर्स थे उनको अलग जगह पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया, और उनको जो मुआवजा कहते हैं वो भी देना शुरू कर दिया। तो कितने ऐसे लोग थे जिनको अलग जगह पे शिफ्ट करना था और लैंड भी देनी थी और साथ में पैसे भी देने थे, तो टोटल 5,000 प्लस ऐसे लोग थे जिनको अलग लोकेशन पे शिफ्ट करना था। और 10 गांव थे, 5,000 लोग मिलके 10 गांव थे। उनमें से कुछ गांव के नाम जो है आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उल्वे, तरघर, चिंचपाड़ा, ऐसे कई सारे गांव जो है ना इस नवी मुंबई एयरपोर्ट के अंडर में आते थे और जिनको अलग लोकेशन पे शिफ्ट किया गया। सिडको लेकिन इस टास्क को कंप्लीट कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ डेवलपमेंट का काम किसी को दे रहा था। तो JVK एयरपोर्ट डेवलपर्स को ना ये काम दिया गया, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने की, जिसमें से 74% स्टेक जो थे ना एयरपोर्ट के वो JVK के पास थे, 13% जो सिडको के पास थे, सिटीजन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पास थे, और 13% शेयर्स जो थे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में थे। और 2018 में रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथ से फाउंडेशन स्टोन भी वहाँ पर रखा गया, लेकिन काम जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था उस तरीके से काम शुरू हुआ नहीं। और इसी के बीच में 2020 में अडानी ग्रुप ने JVK के मेजॉरिटी स्टेक खरीद कर लिए और इस एयरपोर्ट के काम को इतने तरीके से मैनेज करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ प्रोसेस था नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में। लेकिन इन सारी कहानी के बाद आज की तारीख में नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम कहां तक आया है? दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि एयरपोर्ट बनाने के लिए टेबल लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो 95% ना टेबल लैंड ना ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। मेजॉरिटी रॉक कटिंग का जो काम था वो सारा कट हो चुका है, थोड़ा सा ना लैंड कटिंग का काम बाकी है, लेकिन एयरपोर्ट का जो रनवे होता है उसका काम करना ऑलरेडी शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक ना वो डेवलप हो चुका है। फेंसिंग की अगर बात करें तो एयरपोर्ट की जो कंपाउंड वॉल होती है, फिर जो फेंसिंग होता है उसका भी काम ना लगभग खत्म हो चुका है। बीचों बीच एक उल्वे रिवर था उसको भी सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया है। जो 10 गांव आते थे, अलग अलग विलेजेस आते थे या फिर विलेजर्स आते थे, उन सभी को ना अलग लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 2021 से इस प्रोजेक्ट का काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है, और सब कुछ अगर टाइम से चला तो 2024 के आखिर तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ताकि ऐसे ही नवी मुंबई के अपडेट में आप तक पहुंचा सकूं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।